हेलो तो कि अभी के टाइम में अपने इंस्टाग्राम पर कुछ स्टाइप रील तो जरूर से देखिए, क्योंकि इस टाइम में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। अगर आप भी कुछ स्टाइप रील ऐड करके अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हो तो काफी ज्यादा चांस बढ़ जाता है रील वायरल होने के, क्योंकि कंटेंट अभी के टाइम में इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। तो आज की वीडियो में आपको इस कारण लूँ कि आप कैसे स्टाइप रील को ऐड कर सकते हो एंड कैसे अपने रील को वायरल भी करा सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी सेट जरूर कर देना ताकि आने वाले अगले ट्रेंड की वीडियो पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस क्या करना है, देखो इस वाले वीडियो को डिस्क्रिप्शन मैंने एक लिंक डाल दिया, ठीक है गाइस। बस आपको उस पर क्लिक करना है, तो जिससे आप इस टाइप से क्लिक करोगे, ठीक है, लिंक पे आप क्लिक करोगे तो बस आपके सामने पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे कुछ इस टाइप का देखने के लिए मिल जाएगा। सो बस मैंने आप एक प्रोजेक्ट डाल दिया, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है, आपका कैसे यहाँ पे दिख रहा होगा। तो बस क्या करना है, आपको सिर्फ इस पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे आप प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो बस आपके सामने पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे वी एन वाला ऑप्शन क्लिक करना है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इम्पोर्ट टू वी एन, तो बस आप इस टाइप से क्लिक कर देंगे। सो गाइस जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो गाइस ये वाला प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक आपके वीएन ऐप में ओपन हो जाएगा। सो आपको गाइस थोड़ा सा वेट कर लेना है एंड देन आपको यहाँ पे ओपन प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है। तो गाइस यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो गाइस ये वाला प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक आपके वीएन ऐप में ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे ओपन हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सो गाइस देखो आपको क्या करना है, गाइस आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ऑटोमेटिक मैंने यहाँ पे सारा कुछ आपको करके दिया है, ठीक है, इफेक्ट आपको सारे कुछ लगा के दिए हैं और कटवट आपको सारा कुछ करके दिया है। गाइस आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, गाइस आपको यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा काम करना है, ठीक है, आपको वो देख लो। एंड गाइस देखो आपको यहाँ पे इफेक्ट और लगाना पड़ेगा वीडियो को लास्ट में, ठीक है, जो गाइस अभी के टाइम में ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है, लाइटिंग वाला। तो गाइस आपको यहाँ पे वो कैसे लगाना है वो मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा, ठीक है। बस अभी क्या करना है, देखो आपको ऐसे उसको थोड़ा जूम कर लेना है, यहाँ पे जूम कर लेंगे एंड क्या करना है, आपको शुरू में आना है और वैसे आपको पहले वाली क्लिप पे क्लिक करना है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे रिप्लेस वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, देन गाइस आपको जाना है फोटो वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे जाएंगे और वैसे आप से अपनी भी एक फोटो चूज कर लेनी है, ठीक है, अपनी खुद की एक फोटो। सो गाइस जैसे मैं से कोई फोटो चूज कर लेता हूँ, सो गाइस जैसे मैं से वाली फोटो चूज कर लेता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी। देन क्या करना, आपको यहाँ पे अगली क्लिप पे आना, तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्लिप पे क्लिक करेंगे और गाइस आपको यहाँ पे फिर से रिप्लेस कर देना इस टाइप से। देन आपको जाना फोटो वाला ऑप्शन पे और गाइस आपको से अपनी वो वाली फोटो एक बार फिर से चूज कर लेनी है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ से अभी के अभी चूज की थी। तो गाइस यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे से फिर से चूज कर लेंगे एंड देन आपको फिर जाना थर्ड वाली क्लिप पे, तो गाइस यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिप्लेस वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, यहाँ से फिर से फोटो वाला ऑप्शन जाएंगे एंड गाइस आपको से फिर से अपनी इसी फोटो को चूज कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे जाएंगे फोटो को चूज करेंगे, ठीक है। तो गाइस देखो आपको यहाँ पे सेम ऐसे करना है, आपको यहाँ पे फोटोज पे क्लिक करना है, मतलब आपको क्लिप पे क्लिक करना है इस टाइप से, यहाँ पे क्लिक करेंगे रिप्लेस वाला ऑप्शन जाएंगे और गाइस जाएंगे फिर फोटो वाला ऑप्शन में एंड गाइस आपको से अपनी कोई एक फोटो चूज कर लेनी है, ठीक है। तो जैसे फिलहाल मैं ये वाली फोटो ही चूज कर लेता हूँ, ठीक है। गाइस आपको से सेम ऐसे करना है, आपको यहाँ पे क्लिप पे क्लिक करना है, रिप्लेस वाला ऑप्शन जाना है एंड आपको से अपने फोटो को रिप्लेस कर लेना है, ठीक है। तो बस मैं फटाक से फोटो एडिट कर लेता हूँ एंड उसके बाद आपको इफेक्ट कौन सा लगाना है मैं आपको फिर वो बताता हूँ। सो गाइस फाइनली फोटो रिप्लेस हो चुका है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सो गाइस अभी क्या करना है, आपको यहाँ पे साउंड ऐड भी करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे साउंड ऑप्शन क्लिक करना है, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो वैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे साउंड वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे और आपका भी आइकन दिख रहा हो बिल्कुल छोटा सा प्लस वाला, तो वैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपका थर्ड वाला ऑप्शन क्लिक कर देना एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो वैसे आपका यहाँ पे एक वीडियो मिलेगा जो कि साउंड वाले, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे करेंगे यहाँ पे चूज और गाइस यहाँ पे राइट यहाँ से ओके वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे इसका साउंड होगा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से करेंगे चूज और गाइस यहाँ पे राइट वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे। सो गाइस यहाँ पे हमारे वीडियो में उड़ी भी लग चुका है। तो गाइस अभी क्या करना है, जो सबसे ज्यादा मेन काम है, गाइस आपको यहाँ पे इफेक्ट लगाना है, ठीक है, जो कि अभी के टाइम में ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो उससे पहले गाइस आपको यहाँ पे सेव कर लेना है, तो ऐसे एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे और यहाँ पे राइट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, ठीक है। तो बस पहले आपको यहाँ पे सेव कर लेना अपनी गैलरी में। तो गाइस यहाँ पे हो चुके सेव, तो बस आपका पे इस वाले वीडियो पे आना, आपका पे दिख रही होगी। तो बस आप यहाँ पे कैसे आओगे, तो बस डिस्क्रिप्शन में मैंने एक और लिंक डाल दिया, ठीक है, गाइस आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो आप ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाओगे, मतलब आपके सामने पर ये वाली वीडियो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी, ठीक है, इस टाइप से। तो क्या करना है, आपका पे अर्बन वाला ऑप्शन क्लिक करना है, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाले फिल्टर, तो बस यहाँ पे क्लिक करेंगे और गाइस आपका पे इस वाला ऑप्शन क्लिक करके आपका पे सेव कर लेना है, ठीक है, आपका ब्लैक कर देना, तो यहाँ से ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। देन क्या करना, आपको ऐसे बैक कर देना, तो गाइस ऐसे कर देंगे बैक एंड देन गाइस आपका पे इस वाला ऑप्शन क्लिक करना, आपका पे दिख रहा होगा प्लस वाला, तो गाइस यहाँ पे क्लिक करेंगे इस टाइप से। देन आपको रील वाला ऑप्शन क्लिक करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और गाइस आपको से वीडियो चूज कर लेनी जो कि हमने अभी के वीएन से एक्सपोर्ट किया है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऐसे वीडियो को चूज कर लेंगे, तो ऐसे चूज कर लेंगे। देन आपको एड वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है और ऐसे प्रीव्यू वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे। देन सब यहाँ पे ऑप्शन देखोगे सबसे पर फिल्टर वाला, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ से फिल्टर चूज कर लेंगे जो कि हमने ऐसे अभी के लिए सेव किया था। तो बस यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से फिल्टर कर लेंगे चूज और वैसे यहाँ पर अभी वाला फिल्टर आपकी वीडियो पे अप्लाई हो जाएगा एंड गाइस यहाँ पे आपकी वीडियो पे अप्लाई हो जाए, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है वीडियो, आप यहाँ पे देख सकते हो। देन इस क्या करना है, आपका पे डन वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है
और ऐसे नेक्स्ट वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे। और गाइस आप ऐसे बहुत इजीली अपनी वीडियो शेयर कर सकते हो। और गाइस यहाँ पे मैंने जो प्रोजेक्ट फाइल वाला लिंक दिया गया वो सिर्फ टेलीग्राम पे ओपन होती है, तो बस पहले आपको टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, फिर उसके बाद आपको उस पर क्लिक करना है, वो टेलीग्राम पे ही ओपन होती है। और गाइस मैंने जो आप म्यूजिक वाली वीडियो का यूज किया, तो गाइस इसे हमारे टेलीग्राम से बहुत इजीली जाकर डाउनलोड कर सकते हो और लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो गाइस अगर वीडियो चलते वीडियो को लाइक जरूर करना एंड अगर चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना ताकि आने वाले अगले ट्रेंड की वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।